अपने ही पति को मारकर शव को अपने घर के अंदर दफन कर दिया, ऐसी हत्यारी पत्नी को उम्र कैद की सजा। हेलो दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल हरियाणा अपडेट डेली न्यूज में। आपको बता दें कि रेवाड़ी में अपने ही पति की हत्या करके उसके शव को झुग्गी में दफना देने वाली पत्नी को ASG की न्यायाधीश ने कंचन भाई ने दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा और 15,000 रुपये जुर्माना लगाया है। दोषी महिला राजस्थान के झुंझुनू की रहने वाली है। राजस्थान के जिला झुंझुनू के गांव सिग्नोर निवासी नरेश कुमार गांव पूर्णपुर स्थित ईट भट्टा पर काम करता था। वह अपनी पत्नी व बच्चों के साथ ईट भट्टे पर बनी झुग्गियों में रहता था। 2019 अप्रैल माह में नरेश अचानक लापता हो गया। 27 अप्रैल को भट्टा पर काम करने वाले श्रमिकों ने नरेश की झुग्गी से बदबू आने पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने नरेश की पत्नी कमला से पूछताछ की तो उसने अपने ही पति की हत्या करने की बात कबूल ली है। आपको बता दें कि कमला ने पुलिस को बताया कि उसका पति नरेश शराब पीकर आए दिन उसके साथ मारपीट करता था और परेशान करता था। कमला ने नरेश की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को झुग्गे में ही गड्ढा खोदकर दफना दिया, लेकिन बदबू आने पर उसका राज खुल गया। सदर थाना पुलिस ने कमला के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया था। अब क्या है कि सदर थाना पुलिस ने मामले की जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। पुलिस ने कमला के खिलाफ कोर्ट में कई साक्ष्य प्रस्तुत किए। पुलिस द्वारा दिए गए साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने महिला को पति की हत्या का दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा भी सुना दी। कोर्ट ने उस पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आगे की खबर की बात करें तो आपको बता दें, गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। विवाद के बाद प्रशासन ने 8 जगहों की परमिशन रद्द की है। अब समिति नमाज का स्थान तय करेगी। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि ये बात सरकार ने सही की है या गलत की है। प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि खुले में नमाज नहीं पढ़नी पड़ेगी, तो ये निर्णय उनका सही है या गलत है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज की खबरें यहीं तक, फिर मिलेंगे हम इसी समय। देखते रहिए, हिमाचल को देखना भूलिए। धन्यवाद।